व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर पूषा उद्दार बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन जो आपके मन में सवाल उठते हैं, उसके बारे में हम आपको उसके जवाब दे देंगे। आज पहला जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो ये है कि मुझे HIV हो गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, तो मैं क्या करूँ। बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल होता है। तो देखते हैं कि अगर आपको मालूम पड़ा है कि आप HIV पॉजिटिव है और आप घर में अभी तक आपने बताया नहीं है, तो ये सिचुएशन में आप क्या करेंगे। एक कोई आपका फ्रेंड्स होगा तो उसको वो आप ये दिल की बात बता सकते हैं, और जिस शहर में आप रहते हैं वो शरियाटी जो गवर्नमेंट का IRT सेंटर है उसमें आप जाके आपको रजिस्टर कर सकते हैं। अभी जब आप वो सेंटर में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको काउंसिलर के पास भी भेजा जाएगा और वो काउंसिलर आपको पूरा हिस्ट्री पूछेंगे कि ये कैसे हो गया। तो डरने का नहीं और कुछ भी छुपाने का भी नहीं है आपको, जो सच है वो आप बताइए, क्योंकि आप अभी वो ERT सेंटर का फैमिली मेंबर हो गए हैं, ऐसा आप ध्यान में रखिए। और आपको अगर डर लगता है तो काउंसिलर आपको साइकोलॉजिकल जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग भी कर सकते हैं। और अभी ERT अवेलेबल है तो डरने की कुछ बात नहीं है। तो आप उनके पास जाके अपना दिल खोलिए कि कैसे हो गया, क्या हो गया, वो सब बताइए। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको काउंसलिंग दे देंगे। और वो दवा कैसे खाने की है, क्यों खाने की है, ये सब आपको बताएंगे। और बाद में आपका बेसलाइन CD4 काउंट करेंगे और जो जनरल इन्वेस्टिगेशंस है वो भी करेंगे। उसमें सब CBC होता है, ESR होता है, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, लिपिड प्रोफाइल करते हैं, एक्सरे करते हैं, और 4S जो पॉजिटिव है कि नहीं, 4S में आपका TB का जो 4 सिम्टम्स है, कफ है क्या, फीवर है क्या, स्वेटिंग है क्या, और आपका वजन कम हो गया है क्या, ये भी देखते हैं। और रूल आउट करने के लिए एक्सरे, और अगर आपको खांसी है तो CBNAT भी करते हैं। उसके बाद वो आपको मेडिकल ऑफिसर के पास भेजेंगे, वो आपका पूरा चेकअप करेंगे और उस तरह से आपको दवाई भी दे देंगे। डरिए मत, उसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, जो हो गया वो हो गया। लेकिन हमेशा गोली बराबर खाते रहिए। तो वो गोली खाने से क्या होगा, आपके जो अंदर के जो HIV के वायरसेस है वो मर नहीं जाएंगे, लेकिन डॉर्मेंट स्थिति में आएंगे और आप दिन ब दिन अच्छे महसूस करने लगोगे। मैं मानती हूँ मानसिक जो धक्का है वो तो फर्स्ट टाइम आता ही है, और आपको फर्स्ट आपके मन में जो विचार आता है कि अभी आप मेरा सब जिंदगी खराब हो गई है, अभी मुझे मरने के सिवा कोई चारा नहीं है, तो ये गलत है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और अपने HIV के जो ट्रीटमेंट है उसको एडियर मीन्स हमेशा वो ट्रीटमेंट लेते रहिए। और घर में आपके जो माँ है, बाप है, उनको तो बुरा लगेगा ही, वो सवाल ही नहीं है, लेकिन आप विश्वास में लेके आप बताइए कि मेरे से ये गलती हो गई है। ये नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, कभी कभी अगर आप ड्रग्स लेते हैं, मैंने ड्रग्स का भी कितने वीडियोस डाले हैं, ड्रग्स लेते हैं तो होते हैं, कभी ये बच्चे रेव पार्टी में जाते हैं तो वो नशा करते हैं तो उसमें उनको मालूम नहीं रहता है, तो उधर भी उनका सेक्स कॉन्टैक्ट होता है और सामने वाला पॉजिटिव होता है। तो ये मैंने बताया है कि डरने की बात नहीं, लेकिन इसके आगे जाके हमेशा सतर्क रहिए। और अगर आपको एक्सपोजर करने का है तो प्लीज़ कंडम का यूज़ कीजिए।